हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सुमित आपका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल सुमित राजपाल अपडेट्स पर। जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि हम यूट्यूब पर चैनल कैसे बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई हुई है कि हम यूट्यूब पर चैनल कैसे बना सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो कि हम यूट्यूब पर चैनल कैसे बना सकते हैं। अगर आपने चैनल आपको बनाना आता है तो इट्स ओके, अदरवाइज वो वीडियो जा करके देख लीजिएगा, आपको समझ आएगा आपको चैनल कैसे बनाना है। आपको जिस मर्जी कैटेगरी में चैनल बनाना हो, चाहे आपको गेमिंग में बनाना हो, चाहे आपको एंटरटेनमेंट में बनाना हो, चाहे रोस्टिंग में बनाना हो, या आपको किसी भी कैटेगरी में आपको चैनल बनाना है, सो आप बना सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली दो चीज की नीड होती है, एक होती है आपका यूट्यूब ऐप, सेकंड होती है आपकी जीमेल आईडी। सो आप जीमेल आईडी से इजिली यूट्यूब का अकाउंट बना सकते हो। यूट्यूब का अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा सा वर्क होता है यूट्यूब का अकाउंट बनाना, बहुत इजिली बना सकते हो। उसके बाद यूट्यूब पर वर्क करना वो थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सो मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर यूट्यूब पर न्यू एंड आपको यूट्यूब की गाइडलाइंस वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता है, सो मैं आज आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आपको यूट्यूब पर क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। मैं आज आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। आपको सिंपली करना क्या होगा, मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा। एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, जाइए उस पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में नोटिफिकेशन बेल का बटन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी हमारे न्यू अपडेट्स हो वो सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको यूट्यूब पर क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब का चैनल कैसे बनाना है। सो आपका यूट्यूब का चैनल बन गया। अब यूट्यूब के चैनल बनाने के बाद आपको सबसे पहला काम क्या होता है कि आपके चैनल को सर्च में लाना। जब तक आपका चैनल सर्च में नहीं आएगा, जब तक वो लोगों तक नहीं पहुंचेगा, सो आपको सर्च में लाने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि आप अपने चैनल को सर्च में कैसे लेकर आ सकते हो। सो उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा कि आप अपने चैनल को सर्च में कैसे ला सकते हो। सो आपका ये भी हो गया कि आप चैनल कैसे बना सकते हो, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। एंड सेकंड स्टेप होता है सर्च में कैसे लाना, आपको उसकी वीडियो भी मिल जाएगी। सो आप वहां से जाके चेक कर सकते हो कि आप अपने चैनल कैसे सर्च में ला सकते हो। सो सेकंड हो गया हमारा सर्च में लाना। सो थर्ड हो गया, अगर आपका चैनल सर्च में आ गया एंड अब उस पर कोई कंटेंट नहीं, अगर आपके चैनल पर पब्लिक आ रही है कोई कंटेंट नहीं है, तो आपके चैनल कोई भी सब्सक्राइब नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर कोई भी चैनल बनाता है तो उसका एक ही ड्रीम होता है कि उसके ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो, उसकी वीडियोज पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए एंड उसके जितने भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स आए। सो मतलब हर कोई ग्रो करना चाहता है यूट्यूब पर, कोई ये नहीं चाहता कि उसके सब्सक्राइबर डाउन जाए या उसके व्यूज ना आए, कोई टाइम पास करने के लिए नहीं आता है। सो अगर कोई ढंग से YouTube पे काम करना चाहता है सिर्फ वीडियो उनके लिए, अगर कोई टाइम पास करना चाहता है ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है, वो यहीं से वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ आपको YouTube पर क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब YouTube की जो गाइडलाइंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। एंड आपको पता होगा अगर आपका चैनल मोनेटाइज करवाना हो, पहले क्या होता था, आपको अपने चैनल मोनेटाइज करवाने के लिए सिर्फ आपको 1000 व्यूज की जरूरत होती थी, 1000 मात्र 1000 व्यू में आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता था। बट लोगों ने फिर फेक चैनल्स बहुत सारे बनाना स्टार्ट कर दिया एंड खुद ही उस पर 1000 व्यूज ले आते थे। सो इससे ना यूट्यूब बहुत ज्यादा परेशान हो गया होता। तो आपने देखा भी था यूट्यूब पर बहुत ज्यादा अजीब को गरीब कंटेंट कोई ट्रेंडिंग में आता कोई कैसा। सो यूट्यूब ने क्या किया कि अपनी जो भी उनकी गाइडलाइंस थी उसको चेंज कर दिया। उन्होंने कर दिया कि कम से कम 4000 आवर का वॉच टाइम एंड कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स। अगर इतना कुछ किसी बंदे का, सो इतने लेवल को कंप्लीट करने के लिए बंदे को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है एंड अगर कोई टाइम पास कर रहा है तो वो इस चीज को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा एंड वो यूट्यूब को छोड़कर चला जाएगा। सो अगर आप भी सीरियस हो यूट्यूब को लेकर एंड आप काम करना चाहते हो पार्ट टाइम फुल टाइम जैसे भी आप करना चाहते हो, सो आपको जो जो बातें बताऊंगा वो आपको ध्यान में रखनी होगी कि आप को यूट्यूब पर कैसे काम करना है यूट्यूब पर कैसे काम नहीं करना। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कि हमें यूट्यूब पर क्या काम करना चाहिए। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि हमें सबसे पहले जो हमारा वर्क होता है वो होता है हमारा चैनल को सर्च में लाना। उसकी वीडियो आपको मिल गई, चैनल बनाने की वीडियो आपको मिल गई एंड थर्ड अब आपने वीडियो भी बना दी एंड वीडियो को बनाने के बाद उसका वीडियो आपकी लोगों तक कैसे पहुंचेगी, इंप्रेशंस कैसे जाएंगे, वो होते हैं टैग्स। मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसके बाद थंबनेल कैसे बनाते हैं, सब चीजों के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। इस सब का आपको जो उन सभी लिंक होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाइएगा सारी वीडियो को चेक कर लीजिएगा। अगर आप चेक कर लोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाओगे कि आपको यूट्यूब पर कैसे काम करना है एंड कैसे थंबनेल बनाना है, कैसे टैग्स लगाने, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। जैसे ही आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगा उसके बाद आपको इतना समझ आ जाएगा कि आपको यूट्यूब पर वीडियो कैसे डालनी है, कैसे क्या काम करना है, कैसे काम क्या
नहीं करना है। सो हमें YouTube पर क्या काम नहीं करना है। सो मैं आपको सबसे पहले एंड सबसे लास्ट में यही बताना चाहता हूँ कि हमें YouTube पर क्या गलतियां नहीं करना चाहिए, क्योंकि YouTube का क्या होता है कि अगर YouTube पे आप गलतियां करते हो तो YouTube आपके चैनल को डायरेक्ट टर्मिनेट करेगा। पहले क्या होता था, वार्निंग दी जाती थी, बट अब वार्निंग नहीं दी जाती, अब आपके चैनल को डायरेक्ट डिलीट कर दिया जाएगा। सो अगर आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, आप इतनी मेहनत भी करो एंड आपका चैनल डिलीट हो जाए, वो अच्छी बात नहीं है। सो थोड़ी सी इसकी जो गाइडलाइंस है उसको आप स्ट्रिक्टली लेना एंड अच्छे से काम करना, जिससे की वजह से आपका चैनल डिलीट ना हो। सो चलो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्टली आपको किसी का भी कंटेंट कॉपी करके अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं डालना है। उससे क्या होगा कि आपने YouTube, कई बार क्या होता है कि आप जैसे ही कंटेंट डालोगे उसी टाइम कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। एंड आपको पता होगा कि अगर 3 मंथ्स में आपका 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो आपका चैनल डायरेक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। सो आपको किसी का भी उठा के अपने YouTube पर नहीं डालना है। ये नहीं है कि जैसे आपने डाला उसी टाइम कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हाँ, मतलब कि आपकी वीडियो चलेगी एंड वायरल भी हो सकती है वाली वीडियो। अगर जैसे वायरल होगी एंड जो उस वीडियो का ओनर है अगर वो आपकी वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक मारता है तो वो वाली वीडियो भी डिलीट होगी एंड आपके चैनल पर भी स्ट्राइक आ जाएगी। सो ऐसा काम कभी मत करना कि फ्यूचर में आपके चैनल पे कोई स्ट्राइक आए या ऐसा कुछ भी काम हो। सो ये वाला काम बिल्कुल भी मत करना। सेकंड आ जाते हैं सब फॉर सब। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर जैसे कि आज के जोन से भी नवे नवे लड़के न्यू आज जनरेशन आ रही है यूट्यूब पर, वो क्या करती है टेलीग्राम्स के चैनल्स पर जाती है, यूट्यूब के कमेंट्स में जाती है, वहां पे जाके लिखती है सब फॉर सब। आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, यूट्यूब ने, आप जैसे हम लिखते हैं सब फॉर सब या सब्सक्राइबर से कुछ भी लिखते हैं, उन कमेंट्स को स्पैम कर देता है। स्पैम मीन वो कमेंट उस ओनर को शो ही नहीं होंगे। सब कुछ ऐसा मत करना कि यूट्यूब सब फॉर सब। एंड उन्होंने एक और अपनी गाइडलाइंस में ऐड कर दिया, अगर आपके वीडियो पे आपके चैनल को डायरेक्ट आके आपके चैनल को सब्सक्राइब करता है तो यूट्यूब ऑटोमेटिक उस सब्सक्राइबर को अनसब्सक्राइब कर देगा। सो इसका मतलब क्या है, अगर आपके चैनल पर कोई बंदा आ रहा है, कम से कम वो आपकी वीडियो का अगर 1 मिनट वॉच करता है, 1 मिनट वॉच करने के बाद आपकी वीडियो को सब्सक्राइब करता है, देन वो सब्सक्राइबर काउंट होगा, अदरवाइज वो सब्सक्राइबर बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा। सो अगर आप किसी अपने फ्रेंड को बोलते हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, सो उसको ये जरूर बोलना कि मेरी वीडियो को एटलीस्ट 1 मिनट देखे, देन उसके बाद ही सब्सक्राइब करे, अदरवाइज वो आपके जो सब्सक्राइबर होगा वो ऑटोमेटिक अनसब्सक्राइब में चला जाएगा। सो आपको ये वाला काम नहीं करना है। थर्ड, आपको सब्सक्राइब फॉर सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं खेलना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो मैं आपके चैनल को। उससे क्या होगा कि लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे बट वो सब्सक्राइबर्स होंगे जो फेक सब्सक्राइबर्स होंगे, जो कि आपकी वीडियो को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। अगर आपकी कोई वीडियो को नहीं देख रहा है एंड आपके सब्सक्राइबर्स की इतनी बड़ी लिस्ट है, सो उन सब्सक्राइबर्स का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना उससे आपके व्यू आएंगे ना आपका वॉच टाइम आएगा, कुछ भी नहीं आएंगे। सो फेक सब्सक्राइबर लेने का फायदा नहीं है। अगर आप काम कर रहे हो, कंटेंट अच्छा है, तो सब्सक्राइबर ऑटोमेटिक आएंगे एंड बहुत अच्छे लेवल पर आएंगे। आपकी सिर्फ एक वीडियो वायरल होने की देर होगी एंड आपको पता भी लगेगा कब आपके सब्सक्राइबर्स, वॉच टाइम, व्यूज, कब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। सो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप यूट्यूब पर न्यू एंड यूट्यूब पर काम करना है तो आपका वेलकम है यूट्यूब पर। अच्छे से काम करिए, किसी की रीस मत करिए, किसी की होड़ मत करिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जो तुम हो खुद को रिप्रेजेंट करो, किसी की होड़ मत करो, आप बहुत ऊपर तक जाओगे। एंड बस यही बताना था मुझे आज की वीडियो में कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना। सो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।